सब्सक्राइब कीजिए निशाई क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेस में चंदन सिंह। आइए देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का अपना अगला वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और तीन क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ। आज चौथा क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज़ जो 1000 मीटर की ऊँचाई पर उड़ रहा है। हम फिगर ड्रा करते जाएंगे साथ में ही। 1000 मीटर की ऊँचाई पर एक हवाई जहाज़ जो है वो उड़ रहा है। मनुष्य उत्तर की ओर एक सत्र की पनडुब्बी को 30 अंश के कोण पर देखता है। उत्तर की ओर 30 अंश के कोण पर वो देखता है, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। फिर है, अनुमन कोण पर देख रहा है तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के कोण पर देखता है, ये हो गया आपका 45 डिग्री। हमने पहले बताया था कि हमें अवनमन कोण से सवाल नहीं लगा पाएंगे हम लोग, हम इसे उन्नयन कोण बनाएंगे। तो ये देखिए हम इसका बना रहे हैं, इसका एकांतर कोण होता है उन्नयन, तो ये हो जाएगा 30 का। अब ये है 45 का, तो आपका ये एंगल जो है 45 का हो जाएगा, ये एंगल भी आपका 45 का हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले इसके मान रख दें, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम P मान लेते हैं, ये Q हो गया, ये R और ये S, इतना हमने इसे मान लिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपका एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बन गया। हम पहले कुछ इसका नाम रख लें, इसको हम मान लेते हैं X और ये मान लेते हैं Y, और हमें निकालना है ये गैप SR निकालना है हमें। तो अब हम करेंगे इन त्रिभुज PQS ले लिया हमने, ये आपका हो जाएगा tan 45। tan 45 बराबर हो जाएगा, ये आपका लंब होगा 1000 बटे x। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा आपका 1000 बटे x। क्रॉस कराया, x की वैल्यू आ जाएगी 1000 मीटर। फिर अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज हमारा है PQR, तो ये हो जाएगा PQR। अब ये हो जाएगा tan 30, tan 30 बराबर हो जाएगा, लंब है इसका 1000, आधार है y, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 बराबर 1000 बटे y। क्रॉस करा देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 1000√3, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हमें x प्लस y की वैल्यू निकालनी थी, यही मैंने बताया, तो बीच की दूरी हमें निकालना है। बीच की दूरी जब निकालेंगे तो ये आपका होगा x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 1000 प्लस 1000√3, तो आपका टोटल हो जाएगा, 1000 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1+√3। अब यहाँ रखेंगे 1000, 1 और रूट थ्री की वैल्यू 1.732 रख देंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.732 था, ये हो जाएगा 1000 और प्लस का 2.732। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आपका जाएगा 2732 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी में, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंद की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई याद करनी है आपको। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ का उतना हिस्सा जो ऊपर का है वो मान लीजिए टूट जाता है, और टूट करके वो जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बना लेता है, ये बन गया आपका 35 अंश का कोण। पूरा पेड़ था, उसके बाद टूट कर ये इतना हिस्सा टूट गया है और टूट कर ये इधर को झुक गया है और वही 30 अंश का कोण बना रहा है। तो हम मान लें कि पूरे कोण की लंबाई हमारी h थी, उसके बाद ये हिस्सा जो है यहाँ पर आपका बचा हुआ है, ये आपका मान लीजिए x जो है वो बचा हुआ है, तो आपका ये टूटा वाला हिस्सा जो है h से x निकला हुआ है, तो h से x निकल गया है
और x बचा हुआ है तो ये हिस्सा ही टूटकर इधर आया है, तो ये आपका हो जाएगा h माइनस एक्स, ये आपका हो गया, इसको हम p मान लेंगे, q मानेंगे और ये हो गया r। अब वो कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये शिखर छू रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 8 मीटर, ये आपका हो गया 8 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है ये पूरा h का मान, तो ये हो जाएगा आपका, हम लिखेंगे पहले इन त्रिभुज पी क्यू आर लिख लिया हमने, इन त्रिभुज पी क्यू आर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, पहले हम tan 30 लगा देते हैं, tan 30 बराबर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब है आपका x और आधार है 8, तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इक्वल टू ये हो जाएगा x बाई 8। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का जब मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8/√3, लेकिन हम इससे इसका मान नहीं निकाल पाएंगे, तो एक बार हम पुनः इन त्रिभुज पी क्यू आर से ही काम करेंगे। यहाँ पर अब हम ले लेते हैं फार्मूला इसका, आधार और ये मालूम है, हम इसमें से एक चीज़ निकाल लें, चाहे हम साइन थीटा से भी कर सकते हैं, तो हम कर लेते हैं साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा जब लेंगे तो आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो आपका हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन 30, तो ये आपका हो जाएगा लंब है आपका x और कर्ण है h माइनस एक्स, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये हो जाएगा x बटे h माइनस एक्स, आप कैंची गुणा कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2x बराबर h माइनस एक्स, अब ये x उधर चला जाएगा तो ये हो गया 3x बराबर h, तो x की वैल्यू जो है आ जाएगी h बाई 3, ये आपका बना इक्वेशन नंबर 2 और ये बना इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 8/√3 है और ये आपका है h बाई 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा √3h बराबर 8^3 = 24, तो h बराबर जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24/√3, फिर इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे √3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब ये करेंगे ऐसा तो आप ऐसे कर, या ऐसे नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा 24/√3, इसका परिमेयीकरण कर दें, आसान ट्रिक है ये, तो आपका हो जाएगा √3, अब ऊपर आपका आ जाएगा 24√3 और नीचे आएगा √3 को √3 से करेंगे 3, यह हो जाएगा 8, यानी कि आपका आंसर जो है आएगा 8√3 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।